हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे 13 सितंबर की करंट अफेयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरू करें क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में पूर्णतः टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो रखा है 2025 तक है। वो रखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट इंडिया ने। 30 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय जो टीबी विभाग है और बाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बीच टीबी का मुकाबला करने हेतु आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीके खोजने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस भागीदारी के तहत बाधवानी AI राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तैयार करेगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकसित करना, मार्गदर्शन देना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान करने इसका विस्तार देना शामिल होगा। भारत सरकार ने वैश्विक सतत विकास लक्ष्य है 5 वर्षों पूर्व 2025 तक पूर्णतः टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी 1976 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1976 को इसकी स्थापना हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, इंडिया की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दो नंबर क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2019 को उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने चेरलोपल्ली और रेपरू के बीच निर्मित देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग लाइन को राष्ट्रीय समर्पित किया था। इस रेल लाइन की लंबाई कितनी थी? तो वो थी 6.6। और इसकी जिस उद्घाटन किया था वो किया था उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने, 1 तारीख को इसका किया था, यानी 1 सितंबर को। और आंध्र प्रदेश के जो है चेरलोपल्ली और रेपरू है उसके बीच इसका उद्घाटन किया था। इसकी लंबाई 6.6 है। इसका जो लागत है राशि है वो है 437 करोड़ रुपए। यह सुरंग है जो माल ढुलाई के निर्बाध आवागन के लिए कृष्णापट्टनम बंदरगाह और आंतरिक क्षेत्र के बीच रेल संपर्क का कार्य करेगी। आगे तीन नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब शुरू की गई? तो वो की गई थी 1 सितंबर 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है पूरे राजस्थान में। यह योजना पूर्व में जो लागू योजना थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान जो भारत योजना, उसको एकीकृत कर इसे लागू किया गया है। इन दोनों को मिक्स करके एकीकृत कर इसको लागू किया गया है। पूर्व में लागू जो भामाशाह बीमा योजना के पात्र परिवार है उनको पूर्वतः जो उपचार है वो ही मिलता रहेगा। इस योजना में समर्थ निजी और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चयनित जो परिवार होते हैं उनको सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जो जनगणना है के आधार पर पात्र परिवार को निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा इसमें मिलती है। ये योजना लागू होने से प्रदेश के 2/3 से अधिक जो परिवार है उनको लाभ मिलेगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर चार नंबर क्वेश्चन है, 29 और 30 अगस्त को मध्य लेह में जो 26वें जो लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन लेह स्थित उच्च उन्नता अनुसंधान सुरक्षा संस्थान द्वारा किया गया था। इस संस्थान की लेह में स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। 29 अगस्त 2019 को केंद्रीय जो मंत्री अपने राजनाथ सिंह ने लेह में आयोजित जो 26वीं लद्दाख किसान जवान जो विज्ञान मेले का उससे शुभारंभ किया था। इस मेले में का समापन हुआ था तो वो हुआ था 30 अगस्त को। और जो इसकी स्थापना है हुई थी वो हुई थी 1960 में। इस मेले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पैदा होने जो वाली फसलें और अनाज है उसको प्रदर्शित किया गया था। इसका आयोजन लद्दाख के स्थानीय लोगों के साथ अनुसंधान जनहित तकनीकों को साझा करने के लिए किया गया था। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक जिन ढूंढा तीन पाया के लेखक कौन है? तो है OP सिंह। कौन है? OP सिंह इसके लेखक है। और जो इसका विमोचन है पुस्तक का वो क्या था? मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। और उसका 31 अगस्त को इसका विमोचन किया था। इस पुस्तक के जो लेखक है वो है विशिष्ट दो अधिकारी है, IPS अधिकारी ओम प्रकाश यानी OP सिंह।
तो वो इसके लेखक हैं। इसके द्वारा इनकी ये तीसरी पुस्तक लिखी गई है। इसमें अपराध, हिंसा, पुलिस, खेल और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रकार के मुद्दों को इसमें उल्लेख किया गया है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बोले सब्सक्राइब कर लेंगे रेड बटन के साथ। सभी प्रकार के PDF नोट्स के लिए आप हमारे विजुअल क्लासेस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर देखिए करंट अफेयर के स्टडीज जीके के क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु में। कहाँ पे है मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान? तमिलनाडु में। और मिस्र की राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है? तो मिस्र की राजधानी है कायरा और उसकी मुद्रा वो है मिस्र का जो पाउंड होता है वो इसकी मुद्रा है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो है रीता तेवटिया। कौन है? रीता तेवटिया इसकी दो अध्यक्ष है। खोजीबा किंग वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो वह मणिपुर में। कहाँ पे है ये? ये मणिपुर में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 को, यानी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।